हे एवरीवन वेलकम बैक टू कचिफाई आज हम जनरल अवेयरनेस की सुपर एम्स्यू सीरीज का पार्ट थ्री डिस्कस करने वाले हैं आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया है और आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो आपको सेशन को स्कीप नहीं करना है कम्पलीट एंड तक देखना है तो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन था द वर्ड सत्यमय जयते इन द स्टेट एम्बलेम ऑफ इंडिया वेयर आर टेकिन फ्रॉम इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपनिषद इसका जो आंसर था वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने सही दिया था लेकिन जो फर्स्ट टू स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर दिया था वो थे मयूर एंड एम डी एल एम दोनों ने सबसे पहले आंसर दिया सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस अगर आप भी चाहते हो नेक्स्ट सेशन में आपको भी शॉर्ट आउट मिले तो आपको जो भी वीडियो के एंड में क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर सबसे पहले देना है सो so, स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर होगा ऑप्शन बी 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल इज आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज सो एक्स एम एल का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में एक्सएमएल का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन बी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हु वन द ट्वेंटी ट्वेंटी बुकर प्राइस ट्वेंटी का बुकर प्राइज किसने जीता आंसर होगा ऑप्शन ए डगलस स्टूअर्ट डगलस स्टूअर्ट ने 2020 का बुकर प्राइज जीता है और इन्होंने जो जीता है वो उनकी जो नॉवल है शुगी बेन, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइस 2020 का दिया गया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांसेस है बुकर प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको यह क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना होगा डगलस स्टूअर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आई आईसीसी के चेयरमैन कौन बने तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीक बार्कले ग्रीक बाकले बने हैं आईसीसी के चेयरमैन इससे पहले कौन थे इससे पहले थे शशांक मनोहर शशांक मनोहर को सक्सीड किया है ग्रीक बार्कले ने मतलब कि पहले थे शशांक मनोहर और अभी जो बने है, वो बने हैं हैं वो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बन सकता है और आपको कंफ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो गए शशांक मनोहर एंड ग्रीक बार्कले लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि अभी कौन अपॉइंट हुए तो आपका आंसर होगा ग्रीक बार्कले और किसे सक्सीड किया पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा शशांक मनोहर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु गुप्ता चाणक्य को और क्या बोला जाता था तो उन्हें बोला जाता था विष्णु गुप्ता क्वेश्चन नंबर सिक्स हु हैज स्टार्टेड चिपको मूवमेंट किसने चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था आंसर होगा ऑप्शन सी सुदेलाल बाहुगुना। सुधीरलाल बाहुगुना ने चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था अब चुप, चिपको मूवमेंट जो था वो एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था इंडिया का जो कि 1973 में उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था एंड उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन हु फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ लॉर्ड महावीर लॉर्ड महावीर के पहले स्टूडेंट कौन थे आंसर होगा ऑप्शन बी जामाली जामाली जो थे वो लॉर्ड महावीर के पहले स्टूडेंट थे क्वेश्चन नंबर एट व्हेन वाज आर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर इट वाज संग हमारा पहला एंथम जो था वो कहां पे बोला गया था फर्स्ट टाइम और और कब गाया गया था कब उसे गाया गया था और कहां पे गाया गया था तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ डिसंबर नाइनटीन इलेवन में इसे फर्स्ट बार गाया गया था और जो प्लेस थी वो थी कैलकाटा तो कैलकाटा में ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन इलेवन को इसे गाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ अ started शॉप स्टार्टेड एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू क्यू आर कोड एंड code हियर क्यू आर कोड एंड यू पी आई इज एस आंसर होगा ऑप्शन डी क्विक रिस्पॉन्स क्यू डी क्यू आर कोड का फॉर्म होगा क्विक रिस्पॉन्स कोड एंड यू पी आई का फुल फॉर्म होगा यूनिफाइड पेमेंट Interface। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है हम यूनिफाइड की जगह यूनिवर्सल कर देते हैं या फिर बहुत लोगों को नहीं पता होता है जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो हमें नहीं पता होती है और कभी कभार पता भी होती है तो हमें कन्फ्यूज़न होता है इसलिए आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस इस सिंपल क्वेश्चन को क्यों डाला गया बट कभी कभार बहुत सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आज की सीरीज में डाला तो क्यू का जो फुल फॉर्म होगा वो क्विक रिस्पॉन्स होगा और यूपीआई का जो फुल फॉर्म होगा वो, वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन विथ स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने मैक्सिमम नेबरिंग स्टेट्स को टच किया है तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने मैक्सिमम स्टेट्स को कवर अप किया है आपको मैप में नज़र आ रहा होगा कि उसने भोपाल को भोपाल की बाउंड्री को टच किया है मध्य प्रदेश को टच किया है देन राजस्थान को भी टच किया है दिल्ली को टच किया है उत्तराखंड को टच किया है देन नेपाल की बॉर्डर जो है वो भी उत्तर प्रदेश से ही टच करती है देन बिहार झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ये सारे स्टेट्स से उत्तर प्रदेश ने टच किया ये मैक्सिमम स्टेट्स को टच करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश और आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी जो कि एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा तो डिस्ट्रिक्ट है 75 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है ठीक है तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में वो कौन से स्टेट में है तो उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गुवाहाटी जो है वो कौन से रिवर पे है तो आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच इज़ द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ लेंथ का शॉर्टेस्ट यूनिट क्या है सो आंसर होगा ऑप्शन डी फर्मी फर्मी मीटर ये जो है ये लेंथ का शॉर्टेस्ट यूनिट है वन फर्मी इज इक्वल टू टेस्ट टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है सो वन फर्मी इज इक्वल टू आपको ध्यान में रखना है टेनिस्ट पावर माइनस फिफ्टीन मीटर होता है और वो लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है यूनिट होता है फर्मी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ट्वेंटी 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 में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था तो 2020 में एक्चुअली अभी ट्वेंटी चल रहा है तो 2020 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का रैंक है 105 और इसकी जो लिस्ट थी इसे टॉप किसने किया है तो इसे टॉप किया है हांगकॉन्ग ने कभी कभार टॉप पूछा जाता है या फिर इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है तो इंडिया की रैंकिंग जो थी वन थी एंड टॉप अगर पूछा गया तो हांगकांग ने टॉप किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु रोट द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया सॉन्ग ऑफ इंडिया ये बुक को किसने लिखा है इसके लेखक कौन है सो आंसर होगा ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड जो है वो सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक है जिन्होंने ये बुक लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वॉज द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द उस्ताद बिस्मिल्ला खान उस उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो थे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शहनाई वो शहनाई प्ले करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जापान के न्यू कौन से प्राइम मिनिस्टर बने सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी योशीदे सुगा सो ये बने हैं जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर योशीदे सुगा इससे पहले कौन थे इससे पहले थे शिंजो एप वो थे जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर इससे पहले थे और इन्हें सक्सीड किया है योशोदा सुगा ने इसी के साथ साथ आपको जो दो चीजें ध्यान में रखनी है वो है कैपिटल एंड करेंसी जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो एंड करेंसी है येन कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी है येन ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी एग्जाम में कैपिटल भी पूछा जा सकता है करेंसी भी पूछा जा सकता है एंड जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट उसे भी पूछा जा सकता है या फिर जिसे सक्सीड या फिर जो पहले थे उसे भी पूछा जा सकता है तो एक क्वेश्चन से जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो उसके सारी आगे पीछे होने वाली न्यूज़ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता होता है ठीक है बट हम वो न्यूज़ को हमें कंप्लीट कवर करना है हमारा ये टारगेट होना होना चाहिए कि जो न्यूज़ आती है उसे हम कंप्लीट कवर अप करेंगे ताकि उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें उसका आंसर आना ही चाहिए इसी के साथ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वमेन टू ऑनर विद द मेमोरियल ब्लू प्लेक सो so, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नूर इनायत खान नूर इनायत खान को पहली इंडियन वुमेन है जिन्हें मेमोरियल ब्लू पेक से नवाजा गया है और ये जो नूर इनायत खान थी ये एक इंडियन स्पाई थी फॉर द ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटेन के लिए जिन्होंने काम किया था वर्ल्ड वॉर टू में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन वट स्टेट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कौन सी स्टेट में है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में गुजराती लोग होते हैं सरनेम पटेल है याद करने की ज़रूरत नहीं है पटेल आता है गुजरात में ही उसका उस क्वेश्चन uh, का आंसर होगा ठीक है सो so, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वो गुजरात में है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इम्यूनल चापेंटर हैज़ बीन अवार्डेड विथ ट्वेंटी ट्वेंटी नोबल प्राइज इन विच कैटेगरी इमिनल को कौन सी कैटेगरी में ट्वेंटी ट्वेंटी का नोबल प्राइज़ दिया गया तो इसका आंसर होगा केमिस्ट्री ऑप्शन बी केमिस्ट्री में इमिनल के साथ साथ जेनिफर ड्यूना को भी नोबल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जीनोम एडिटिंग इन एग्जाम में आपको यह भी पूछा जाएगा कि इनको किस चीज के लिए दिया गया तो ऑप्शन में होगा जीनोम एडिटिंग तो आपका आंसर बनेगा जीनोम एडिटिंग के लिए को को और जेनिफर नोबेल प्राइज दिया गया फॉर केमिस्ट्री के लिए ठीक है इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एग्जाबाइट कॉन्ट्रीब्यूट टू डैश आंसर होगा ऑप्शन ए वन जीरो ठीक है अब आपको अगर आपको एक एक चार्ट नज़र आ रहा होगा ट्रायंगल में अगर आप वो एक चार्ट लर्न करते हो और कभी भी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वन मार्क पक्का होगा ये चार्ट मैं आपको एक बार बताती हूँ वन निबल इज इक्वल टू फोर बीट होता है ठीक है देन वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट्स होता है वन के बी इज इक्वल टू वन ज़ीरो टू फोर बाइट होता है वन एम बी इज इक्वल टू वन ज़ीरो टू फोर के बी होता है वन जी बी इजिक्वल्स टू वन जीरो टू फोर एम बी होता है देन वन टी बी इज ईक्वल्स टू वन जीरो टू फोर जी बी देन वन पेटा बाइट इजिक्वल्स टू वन जीरो टू फोर टी बी मतलब कि टेरा बाइट देन वन एग्जा बाइट आएगा वन एग्जा बाइट इज टू वन जीरो टू फोर पेटा बाइट देन वन जीटा बाइट इज ईक्वल्स टू वन जीरो टू फोर एग्जा बाइट एंड वन योटा बाइट इज टू वन जीरो टू फोर जीटा वाइट तो आपको ये चार्ट लर्न करना है कुछ नहीं होता है एक के नीचे एक वही चीज़ों को लिया जाता है बाकी कंप्लीटली सेम है सिर्फ आपको जो ध्यान में रखना है वो स्टार्टिंग का ध्यान में रखना है और बाकी सिक्वेंस आपको ध्यान में रखना है के बी फिर एम बी फिर जी बी फिर टी बी फिर जी बी फिर पी बी ई बी जेड बी एंड वाई बी ठीक है और स्टार्टिंग में आपको यह ध्यान में रखना है कि वन निबल इजल टू फोर बिट्स होता है एंड वन बाईट इजल टू एट बिट्स होता है यह आपको इस चार्ट से इतना अगर आप ये ध्यान में रखते हो तो कभी कोई भी एग्जाम में अगर आपको इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका वन मार्क आपको इजीली मिल जाएगा ये थे आज के हमारे ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस अब ये एक आपके लिए क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आया था वो कौन से ईयर में आया था ठीक है सो ऑप्शन है 1950 ऑप्शन बी है 1951 ऑप्शन सी है 1952 एंड ऑप्शन डी है 1956 तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो देखने के बाद तुरंत करना है क्योंकि जो फर्स्ट टू कैंडिडेट्स होंगे उसको नेक्स्ट उन लोगों को उन दोनों को नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट आउट मिलेगा तो आप अगर चाहते हो कि आपको शॉर्ट आउट मिले तो आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है तो ये था हमारा आज का सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको सेशन को लाइक like करना है आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे